रियो में सोमवार को हुए खेलों में बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने डेनमार्क के पांचवी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी जैन ओ जोरगेनसेन को मात देकर पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है और पीवी सिंधु ने भी बैडमिंटन के सिंगल्स मुकाबलों में क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर पदक की उम्मीद कायम रखी है। मुक्केबाजी में विकास कृष्ण को मेंस मिडिल वेट 75 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान के बख्तेमिर मेलिकुजीव के हाथों हार का सामना करना पड़ा और निशानेबाजी में गगन नारंग और चैन सिंह का निशाना चूक गया है और रियो ओलंपिक से बाहर हो गए हैं। आइए नजर डालते हैं आज के भारतीय मुकाबलों पर। कुश्ती में पुरुषों के ग्रीको रोमा 98 किलो के मुकाबले में आज शाम 7:10 पर हरदीप सिंह तुर्की के सैंक इल्डेम से भिड़ेंगे। बैडमिंटन क्वार्टर फाइनल में आज 3:25 पर पीवी सिंधु चीन की वांग यान के आमने सामने होंगी। अंतिम 16 के राउंड के अहम मुकाबले में सिंधु ने 8वीं वरीयता प्राप्त चीनी ताइपे की खिलाड़ी ताई जू यिंग को एक तरफा मुकाबले में शिकस्त दी थी।